हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स गणित का वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 19, 20, 21, 22, यह अपनी संख्याओं की जानकारी अध्याय एक से लिया गया है। इस वीडियो में हम फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो चलिए पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये बता देते हैं कि ये जो 20 तारीख की वर्कशीट है, यहाँ पर ये 20 मिसप्रिंट है, ये आपकी 19 अगस्त की वर्कशीट है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5520 प्लस 16986 का निकटतम हजार तक आकलन करते हुए हल कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये 5520 प्लस 16986 का निकटतम आकलन, 5520 को हम कहाँ निकट 6000 लिख सकते हैं और 16986 को 17000 लिख सकते हैं, तो ये 23000 निकटतम आकलन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न एक कंप्लीट होता है। प्रश्न दो देखते हैं। निम्न को निकटतम सैकड़े तथा आकलन करते हुए हल कीजिए। 439 प्लस 334 प्लस 4,4317। तो पहले देखिए, पहले का आंसर ये है 400 प्लस 300 प्लस 4,4300, तो ये हो जाएगा 5000। ये हमने निकटतम। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, UP, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, या आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। खत्म लिखा है, इसी का दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरे का आंसर लिख लेना है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न तीन, देखिए कि 5673 माइनस 436 को निकटतम दहाई तक आकलन करते हुए हल कीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पर ये हल किया हुआ है। 5673 माइनस 440 को निकटतम दहाई तक, ये इस प्रकार से 5230 यानी 5230 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न तीन कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चार की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चार में व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। पहला है 571 इंटू 161, दूसरा है 9250 इंटू 29। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला है 578 इंटू, आप पहले 571, ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर, ठीक है। 161 का सन्निकट मान 200 हो जाएगा, 578 का 600, तो ये 12,000 आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा है कि 9,250 का सन्निकट मान 9,000, 29 का सन्निकट मान 30, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 27,000। ये आकलित गुणनफल होगा यानी व्यापक गुणनफल होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक चार कंप्लीट होता है। अब प्रश्न पाँच देखते हैं। निकटतम आकलन करते हुए हल कीजिए। तो चलिए पाँचवें का देख लेते हैं आंसर। तो ये देखिए पहला है 12,904 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 13,000, 2,888 का 3,000 इंटू करेंगे तो क्या, सॉरी योग करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1600। इसी प्रकार ये आपका दूसरा है, ये दूसरा देख लीजिए। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।